और देखिए एक और बड़ी खबर, अलकुद्स में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हमास समर्थक खैरी अलकम का घर उड़ाने की तैयारी है IDF की तरफ से। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हमास समर्थक खैरी अलकम का घर उड़ाने की ऐसी तैयारी, उसके घर को घेर रखा है और कभी भी इस घर को तबाह किया जा सकता है। और वहीं 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। 60 सेकंड में देखिए दहशत से भरा ये वीडियो। ये वीडियो पिछले महीने 7 अक्टूबर का है, जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर मौत का तांडव मचाया था। हमास के लड़ाके किस कदर बेखौफ होकर इसराइल में लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। हमास के लड़ाकों ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका। लड़ाकों ने एक नहीं बल्कि दर्जनों ग्रेनेड घरों के अंदर फेंके जहाँ IDF के जवान मौजूद थे। हमास के ग्रेनेड फेंकते ही IDF ने उसी ग्रेनेड को हमास के लड़ाकों पर फेंक दिया। फिर क्या था, हमास के लड़ाकों में अफरा तफरी मच गई और वो जान बचाकर भागने लगे। हमास और IDF के बीच जमकर फायरिंग हुई। हमास के लड़ाके घर के बाहर से हमले कर रहे थे जबकि IDF उन्हें घर के अंदर से जवाब दे रही थी। सात अक्टूबर की उस काली रात को हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बीच इसराइल ने फिर कहा कि वो 7 अक्टूबर के एक भी गुनाहगार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और देखिए वहीं 7 अक्टूबर को हमास की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था CIA और मोसाद के खुफिया विंग ने हमास की साजिश पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आप देखिए रिपोर्ट। सात अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमास का इरादा इसराइल को दो टुकड़ों में बांटने का था। इस प्लान के तहत 7 अक्टूबर को हमले के जरिए हमास के लड़ाके इसराइल को दो फाड़ करना चाहते थे। उस दिन 75 जगहों से हमास के 5000 लड़ाकों ने इसराइल बॉर्डर क्रॉस किया था। इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हमास के हैरत अंगेज प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर लहरों की शक्ल में अटैक, 3 चरणों में था इसराइल पर हमला। पहले चरण में 75 जगहों से बॉर्डर क्रॉस, 5000 लड़ाके बाड़ तोड़कर इसराइल में घुसे। दूसरे चरण में हमास ने किबुज पर हमला किया। तीसरे चरण में इसराइल में बड़े पैमाने पर लूटपाट, खुफिया रिपोर्ट में छोटी घटना का अनुमान था। छुट्टियों की वजह से सिर्फ 2 IDF यूनिट तैनात थी। हमास के मंसूबों पर इसराइल की डिफेंस फोर्स ने पानी फेर दिया। इसराइली सैनिकों ने हमास के खिलाफ जवाबी हमले किए। इसराइली पुलिस ने भी हमास के लड़ाकों को कई इलाकों में खदेड़ा। और इस बीच लगातार हिजबुल्ला इसराइल को चुनौती दे रहा है। हिजबुल्ला ने अब जारी किया है ईरानी ड्रोन का वीडियो। ईरान के समावत ड्रोन का वीडियो जारी किया गया है हिजबुल्ला की तरफ से। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो हिजबुल्ला के लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया है। साफ तौर पर बताने की कोशिश की किस तरह से ईरानी ड्रोन हिजबुल्ला के पास है। और एक और बड़ी खबर, हमास के 1988 वाले प्लान पर बड़ा खुलासा हो रहा है। मुस्लिम गार्ड से जंग जीतने की तैयारी में है हमास। अरब मुल्कों को साथ लाने का पूरा प्लान खाका तैयार कर लिया।